फाइनली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आ चुका है, और उसके आते ही भाई हमें पता चलता है कि हमारी मैक्लारेन अब हमें नहीं मिलने वाली है। तो पूरा का पूरा सीन क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा आज। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस आ गया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब भाई आज के इस गेम प्ले की बात कर लेते हैं और मैक्लारेन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भाई उतरता है एक बंदा, तो उसे पहले भर लेते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को भर दिया। अब हम लोग को सबको लग रहा था कि पूरा का पूरा डाटा आने वाला है, जिनको कन्फ्यूजन है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही। तो मैंने चैनल में अपने फ्रस्ट्रेटेड साइबर पे वीडियो डाली है डिटेल कि क्या ट्रांसफ़र होगा क्या नहीं होगा, तो जाके आप लोग देख लेना। और गाइज हमें फाइनली पता चल गया है कि मैक्लारेन कार की स्किन हमें नहीं मिलने वाली है। भाई इतना रोना आ रहा है ना भाई, क्या ही बताऊँ, मतलब क्या गाड़ी की स्किन थी यार वो मैक्लारेन की, और मैक्लारेन की स्किन अब हमको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में नहीं मिलने वाली है। मैंने अभी तक अपना ये ग्लोबल वाला अकाउंट बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में मर्ज नहीं किया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि अर्ली एक्सेस की जगह पर मेन आ जाए बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का ऐप, उसके बाद ही मैं लिंक करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ताज़ी ताज़ी न्यूज़ यही है कि भाई यार हमारी मैक्लारेन गई, हमारी मैक्लारेन गई गाइस। यार एक लाइक तो बनता है, वन लाइक इज इक्वल टू वन आरआईपी फॉर आवर मैक्लारेन। यार क्या गाड़ी थी, क्या हाहाकार थी भाई। ये बॉट भैया आ गए, तो मैंने यहाँ पे विक्की को बोला कि जाके भाई पहले तू मेगा गॉडजिला की आउटफिट पहन के आ। अब यहाँ पे जॉर्जो पुल में हमारे अलावा बहुत सारी स्क्वाड उतरी हुई थी और साथ ही चल गई थी फ्लेयर। आज के इस गेम प्ले का एंडिंग देख के ना आप लोग लिटरली पागल होने वाले हो, क्योंकि आज के इस गेम प्ले की एंडिंग इतनी खतरनाक और अजीबोगरीब होगी। मैं फ्लेयर गन से लास्ट बंदे को मारने का ट्राई करता हूं, और भाई उसके बाद मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मेरी एक एचपी बचती है और वो बंदा भी जिंदा रहता है और मेरी एक एचपी भी बचती है। तो यहाँ पे देखो वो फ्लेयर गन मिल गई, जिसके कारण आज के मैच के हमारे एल लगने वाले हैं। अब यहाँ पे पीछे के साइड भाई बंदे थे जॉर्जो पुल में और फायर कर रहे थे, फ्लेयर भी आ गई थी और हमारे पास ऑलरेडी फ्लेयर गन थी और यहाँ पे उन बंदों ने फ्लेयर मंगा भी ली थी। भाई आज बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली थी, ये तो पता चल ही गया था हमें। मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि भाई चल उधर साइड जल्दी से और फ्लेयर इससे पहले कि लूट ले। जैसे ही यहाँ पे आता हूँ फ्लेयर के पास, वैसे ही बंदे मुझे पता चलते हैं कि आगे दूसरी स्क्वाड से फाइट ले रहे हैं। आगे दुश्मन है भाई, क्या रिफ्लेक्सेस थे यार इस बंदे के। तो यहाँ पे एक टीममेट को तो मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसके बाकी के टीममेट जो थे वो यहीं आसपास थे और उन्होंने फ्लेयर लूट ली थी। भाई कैसे बच गए भाई साहब, बंदे ने क्या ही प्रोन होके शॉट मारा भाई, इसने मुझे नॉक कर दिया और यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने मुझे बचा लिया, नहीं तो भाई ये बंदा पक्का मेरे एल लगा देता। क्या ही जिगजैग करके इसने प्रोन करके शॉट मारा। लेकिन रुको जरा, सबर करो, अभी यहाँ पे फाइट खत्म नहीं हुई, अभी आगे चल के क्या ही भयंकर वाला फाइट सीन होने वाला है ना, बस आप लोग देखो। अब हम जैसे ही इन बंदों को यहाँ पे फिनिश करते हैं, इनको लूट उट लेते हैं, मुझे मिल जाते भाई AWM। अब जैसे ही AWM मिलती है, इधर से बंदों के फुट्स आने चालू हो जाते हैं। तो पहले हमें लगा कि ये ड्रॉप लूटने कुछ बंदे आ गए, लेकिन 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 देखो जरा कौन आया है। एक और बंदा भाई, हद है यार, आज तो मैं नॉक होने के सारे लो बनाने वाला हूँ भाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ आज मैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने आप को हील करूंगा। अब ये इसका टीममेट आ रहा था भाई शॉर्ट गन लेके, पता नहीं कहाँ से शॉर्ट गन लेके आ रहा था, और जैसे मैंने ये यहाँ पे इन टीम्स को फिनिश किया, ऊपर से रिज के साइड से और भी बंदों के फायर आने चालू हो गए। भाई हम कवर में थे, लेकिन भाई ये बंदे जो ही देख, वो देखो वो दिखा मुझे, अब यहाँ पे मैंने M4 से थोड़ा सा उसको बताया कि मेरे पास ऑम वगैरह नहीं है, M4 चला रहा हूँ भाई, पीक दे दे।
लेकिन वो भैया पीक देने के लिए भाई मतलब देखो आया आया। तो ये वही बंदा था जिसे विक्की ने नॉक किया था, तो इसे मैंने सबसे पहले फिनिश डाला। कहाँ गए बंदे? अब उसके बाद वो बंदे तो हमें मिले नहीं, तो हम पीछे की तरफ आए और बग्घी लिया हम लोगों ने, और बग्घी लेके हम लोग सीधे जाते हैं सिटी में, और सिटी में जाके हम लोग करने वाले हैं रस। अब भाई ये बंदे को क्या ही नॉक किया मैंने, इसने विक्की को नॉक कर दिया। अब यहाँ का क्लच देख के आप लोग पागल होने वाले हो, जस्ट वेट करो। देखो मैंने एक बंदे को नॉक किया, इधर मैंने गेट खोला, भाई 20 HP क्लच। यहाँ पर सबसे पहले मैं आया विक्की के पास, विक्की को हील करना चालू किया क्योंकि सामने वाली टीम के 2 बंदे नॉक थे ऑलरेडी। और भाई मेरी HP देखो 20 HP में था मैं, अगर ये बंदे अभी रस कर देते ना तो यहाँ पे हमारे लगने वाले थे L। सबसे पहले मैंने फॉल बैक किया, विक्की को भी बोला कि पीछे आ जा जल्दी से और सबसे पहले हील करते हैं, और तभी सामने से एक अलग टीम आ गई। भाई ग्रेनेड से नॉक कैसे नहीं हुआ, इतना परफेक्ट ग्रेनेड था, लेकिन ये बंदा बच कैसे गया? अब यहां पे हीलिंग के नाम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बैंडेज थे। रुको जरा बिटवा, और भाई यहां पे एक OP ग्रेनेड और ये बंदा हो जाता है नॉक। सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूं और अपने आप को भाई बैंडेज लगाता हूं, और तभी लेफ्ट में जो बंदा फूड्स दे रहा था तगड़े वाले, वो चला जाता है अपने टीममेट को हील करने। और इससे पहले कि ये कुछ कर पाता मैंने इसे दिया भर। बॉट भैया आए, एक और बॉट भैया आए, और ये पीछे वाले बॉट भैया का किल चोरी करने का ट्राई कर रही थी भाई वो दूसरी वाली टीम। लेकिन ना भाई हमको भी तो KD बढ़ानी है ना भाई, हम कैसे किल लेने देंगे अपना। अब यहाँ पे जब हम हील कर रहे थे तो पीछे से एक बंदे ने हम पे रस कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ये बंदा नहीं था, ये भी थे बॉट भैया। अरे कहाँ चला गया, रुको अभी क्या कर रहा है ये बॉट भाई। अरे भाई प्रो हो रहा है भाई बॉट, ये क्या था भाई, बॉट एकदम से भाई गायब हो जा रहा था, दूसरी जगह पहुंच गया भाई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो चल के हम लोग लूटेंगे थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद ये वाली स्क्वाड से फाइट लेंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे बंदे इस टीम के हो चुके थे रिवाइव, मतलब यहाँ पे ये 3 थे कि 4 थे हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें कुछ भी करके इन बंदों को भरना था। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं सामने की तरफ बंदे फायर करते हैं हम लोगों पे। अब यहाँ पे विक्की ने बोला भाई एकदम हार्ड पीक लेके खड़ा हुआ है, अगर उसने मुंडी उंडी दिखाई तो भाई उसकी मुंडी खा जाएगा। अब मैं यहाँ पे पीछे की साइड आता हूँ, अब देखो भाई इन बंदों को कैसे भरेंगे हम लोग। मेरे पास ग्रेनेड नहीं था ना ही मॉली था, तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक कर दिया। भाई क्या ही मार रहा है बंदा, ओ भाई साहब इस क्लच के लिए गाइस 1 लाइक तो बनता है। लिटरली मेरी वेस्ट पूरी खत्म हो चुकी थी और मैं 20 HP था, और भाई 1v2 कर दिया। अगर ये वाला आप लोग को क्लच 1v2 अच्छा लगा हो तो गाइस 1 लाइक बनता है, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आज 20 HP में भाई 2 क्लच हो गए ऑलरेडी, और मैं 2 बार नॉक भी हो चुका हूँ, तो भाई उसके लिए 1 लाइक तो बनता है। उसके बाद यहाँ पे इन बंदों को फिनिश करके हम लोग निकलते हैं पूरा स्कूल वगैरह से घूम घाम के, यहाँ पे आते हैं पोचिंगी में, और यहाँ पे पोचिंगी में राइट साइड खड़ी हुई थी बग्घी, क्योंकि लेफ्ट में गिरा हुआ था ड्रॉप। तो भाई बग्घी वाला जैसे ही हमारी गाड़ी ठुकी ये बंदों ने किया हम पे तगड़ा फायर। यहाँ पर मैंने थोड़ा वेट किया कि बंदा अगर पीक वगैरह करता है तो मैं इसे भर दूंगा, और मैंने विक्की को बोला कि ऐसा कर मैं गाड़ी लेके उनके क्लोज में जा रहा हूँ, तू गाड़ी वहीं पे लेके आ जा क्लोज में उनके।
अब यहाँ पे दो बंदों के फूड्स आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में मुझे देखना था कि यहाँ पे दो ही बंदे ना, कोई लेटा वोटा तो नहीं है। ये देखो ग्लेशियर लेके भैया एकदम मस्त लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे स्पॉट हो गए मुझे बंदे, तो मैंने विक्की को बोला तू यहीं पे रुक, स्मोक कर ले और मैं गाड़ी घुमा के ऊपर हिल पे जाता हूँ और उसके बाद इस बंदे को एक को नॉक करता हूँ, फिर हम लोग रस कर देंगे सीधे, क्योंकि हमारे पास ग्रेनेड वगैरह थे नहीं जिससे हम लोग थोड़ा सा एडवांटेज में रहते। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं यहाँ पे आया ऊपर हिल पे और उसके बाद वो बंदे तो पीक कर ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था, तो मुझे और हाई एडवांटेज चाहिए था, तो मैं यहाँ पे आया और तभी पैट से गैचो गैचो। अब इस बंदे को नॉक किया और मैं जैसे नीचे कूदता हूँ देखना ये बंदा क्या करेगा मेरे साथ। गाड़ी आगे पीछे देखो। इसके टीममेट को तो मैंने फिनिश कर दिया। अब पीछे की साइड से एक बग्गी भी इधर उधर गुजर रही थी। वो ऊपर चढ़ा भाई, क्या ही खतरनाक बंदे है भाई आज के। तो मेरे जंप करते इस बंदे ने मुझे हाफ एचपी कर दिया, 40 एचपी में छोड़ा। अगर भाई लेवल 3 की वेस्ट नहीं होती तो यहाँ पे मेरी पुंगी बच जाती। तो मैं उसके बाद वहाँ से गाड़ी लंबी रोटेट करके आता हूँ और उसने बंदे ने ऊपर स्मोक कर लिया था क्योंकि दूसरे साइड से भी बंदे मार रहे थे, दो साइड से, एक पोचिंग की स्क्वाड हाउस दूसरा साइड और एक यहाँ पीछे साइड जहाँ से मैं गाड़ी घुमा के लाया। इस बंदे को भाई एम के पड़ रही थी दूर से, मैं यहाँ आया। अब देखो एंड भाई इसी के साथ ये बंदा भी यहाँ पे हो जाता है फिनिश। अब मुझे पता नहीं क्यों भाई आज जितने भी मतलब स्क्वाड मैच है डुओ वर्सेस स्क्वाड, लेकिन भाई सारे के सारे आज मैंने डुओ ही मारे। अब उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लाता हूँ इन बंदों के पास जो यहाँ पे टैप टैप कर रहे, तभी मुझे एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हुआ और इसका दूसरा टीममेट स्क्वाड हाउस में था। अब यहाँ पे मैंने मौली की इस बंदे पे जैसे, इसके टीममेट ने क्या ही कवर फायर दिया इसको भाई। अब ये बंदा, ये तो कंफर्म हो गया था या तो छत में है या तो ये घास में ओपन में लेट चुका है इसका टीममेट। और मुझे ये भी डर था कि कहीं पीछे से हम पे कोई हमला ना कर दे क्योंकि अभी भी बहुत सारे बंदे अलाइव थे। भाई इस बंदे को तो मैंने नॉक फिनिश कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ बचा इसका टीममेट। भाई ये घास में जाके लेट गया पक्का। सबसे पहले यहाँ पे हील करेंगे फिर इसको बताता हूँ, रुक जाओ बस एक बार स्पॉट हो जाए। इतनी गंदी घास है ऊपर से भाई, ये बारिश। एंड पच से गाटो गाचो गाटो गाचो, क्या बोल रहा हूँ मैं आज, कितनी जुबान लड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही है गाइस। तो इसी जुबान लड़खड़ाने की खुशी में एक लाइक तो बनता है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने इन सारे बंदों को भर दिया और जोन देखो कैसा बना हुआ था। अब यहाँ पे का जो फाइट सीन होने वाला है भाई, फ्लेयर चला दी एक तो ऊपर से बंदों ने। अब यहाँ का सीन देखो आप, भाई साहब क्या ही मारा इन दोनों बंदों को। अब इन दोनों बंदों को मार दिया तो मुझे लगा खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन यहाँ पे और भी कोई लेटा हुआ था। सब लेटे हुए भाई। विक्की तो यहाँ पे, मेरा टीममेट तो फिनिश हो गया। अब यहाँ पे मैंने ग्रेनेड वगैरह किया, यहाँ पे विक्की ने बोला कि उसको दिख गया बंदा पेड़ के पीछे से मार रहा है, वो तो मेरे को भी पता चल गया साउंड सुन के, लेकिन मेरी इतनी कम एचपी थी, फिर से मैं एक बार 20 एचपी में था और मैंने यहाँ पे अभी फिर से 1v2 किए। तो आज गाइस भाई क्या हो रहा है आज, सो डुओ वर्सेस स्क्वाड में भाई डुओ वर्सेस डुओ हो रहा है, लेकिन विक्की तो मर गया इस बार भाई, फाइनली फिनिश हो गया और मैं अकेले बचा। अब वो बंदा जो था उसका मुझे किल आ गया, लेकिन उसका जो टीममेट था वो भाई जोन के अंदर भाग आया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि वो बंदा आए, लेकिन वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं हुआ। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सामने से एक बंदे ने भाई उसको भर दिया।
अब ये बंदा जो लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था ये था भाई इस घर के अंदर, ये तो कंफर्म था। तो मैंने एक लेफ्ट में ना ग्रेनेड किया बहुत दूर पे ताकि उस बंदे का ध्यान उस ग्रेनेड पे जाए। अब इस बंदे को मैं लिटरली फ्लेयर से मारने का ट्राई करूंगा आज, और उसके चक्कर में आज के चिकन डिनर के लगने वाले। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये चिकन डिनर होगा मैच, या फिर भाई ये बंदा मुझे भर देगा, क्योंकि मैं इस पे फ्लेयर से वार करने वाला हूं आज। अब जैसे मैं यहां पे आया बंदे ने अंदर से ग्रेनेड किया, देखिए आप, तो यहां मैंने फ्लेयर निकाली। अब बंदे ने अंदर से ग्रेनेड किया था, वो भागा। अब देखो वो बंदा कहां पे चला गया भाई, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि वो बंदा कहां है भाई साहब। और इसी के साथ एक कमाल का चिकन डिनर। और ये बंदे की भाई स्ट्रेटजी देखे आज की भाई, क्या ही खतरनाक लॉबी थी। आप लोग कमेंट करके बताना, और बंदे क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे थे भाई। लास्ट वाले बंदे ने तो सारी की सारी हदें पार कर दी। तो गाइस जो भी अभी तक देख रहे हो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यार मैक्लेरन तो गई अपनी, उसके लिए एक लाइक कर देना, 1 लाइक = 1 RIP। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायनारा। और कमेंट करके बताना जरूर आप में से किन किन लोगों ने BGMI में जो है तो ट्रांसफर कर लिया डाटा, और किन किन लोगों को BGMI का एक्सेस मिला, किन्हें किन्हें नहीं मिला है।